हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इनक्रेडिबल कुकिंग। आज मैं आपको अलग अलग तरीके के पकोड़े बनाना सिखाऊंगी और उसके इंग्रेडिएंट्स हैं आलू जिनको मैंने कट कर लिया है, सूखी मेथी, बेसन, गरम मसाला, अजवाइन, अमचूर, रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट, गोभी, ब्रेड। अब इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अब मैंने एक बोल लिया है, उसमें बेसन डाल दूंगी। इसका पहले घोल बनाएंगे। नमक, लाल मिर्च, सूखी मेथी, अजवाइन। अब इसको मैं पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी। अभी देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना पतली ना गाढ़ी। अब इसमें मैं ब्रेड लूँगी और ब्रेड को डिप करूँगी। ब्रेड को डिप करने के बाद मैं इसको, मैंने तेल रख दिया था कढ़ाई में, हाई हीट पे है। अब मैं इसमें ब्रेड डाल दूँगी और ब्रेड को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। इसी प्रोसीजर के साथ मैं बाकी के ब्रेड्स भी ऐसे ही डाल दूँगी। हमारे ब्रेड पकौड़ास एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। मैं इनको अब प्लेट में, ये देखिए, मैं प्लेट में निकाल लूँगी। अब गोभी के पकौड़े स्टार्ट कर रही हूँ। गोभी को इसमें डिप करूँगी। वही घोल जिसमें मैंने ब्रेड पकौड़ास बनाए थे, वैसा ही घोल होना चाहिए। और इसमें मैं ऐसे ही सारे डाल लूँगी और इनको भी गोल्डन ब्राउन होने तक गोभी पकौड़ा इसको फ्राई करूँगी। जब तक हमारी गोभी गोल्डन ब्राउन हो रही है, तब तक मैं आलू के पकौड़ा का बैटर बना लेती हूँ। आलू मैं इस बैटर में डाल दूँगी। आलू के पकौड़े के लिए हमें गाढ़ा बैटर चाहिए, उसे घोल नहीं बनाना, उसमें फोल्ड करना है आलू को बस ऐसे। और बेसन कम लगेगा तो भी और डालेंगे। अभी इसमें बेसन और डलेगा, ये पतला है, इसको गाढ़ा चाहिए। अब इसमें बेसन और डालेंगे क्योंकि घोल ये पतला लग रहा है, तो इसको गाढ़ा बनाएंगे जिससे कि पूरे आलू पे बेसन का घोल अच्छे से लग जाए। अगर पतला रहेगा तो वो नहीं लगेगा। अब इसमें चूंकि बेसन और डाला है तो इसमें नमक मिर्च और डालेंगे। मैंने इसमें नमक मिर्च, सूखी मेथी, अजवाइन और डाल दिए क्योंकि बेसन डालने के बाद नमक मिर्च कम हो गया था। अब इसका बैटर ऐसा होगा। अभी एकदम परफेक्ट है। अब जब हमारे गोभी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी फिर हम आलू के पकौड़े बनाएंगे। अब गोभी के पकौड़े हमारे गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और ये अच्छे से पक गए हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। अब इसके बाद आलू के पकौड़े डालेंगे। हमें पकौड़े हमेशा हाई हीट पे बनाने हैं जब तेल एकदम गर्म हो। अगर सिम पे बनाएंगे तो हमारे पकौड़ों में तेल भर जाएगा और करारे भी नहीं बनेंगे, इसलिए हमेशा हाई हीट पे ही पकौड़े बनाने। मैं ऐसे ही प्रोसीजर के साथ सारे आलू डाल लूँगी। अब ये पकौड़ास, आलू पकौड़ास गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इन्हें भी मैं निकाल दूँगी। अब हमारे पकौड़ास एकदम रेडी है। मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है। इसको मैंने चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूंगी थोड़ा सा इसके ऊपर। और आप मेरे रेसिपी को फॉलो करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मेरे वीडियोस को बहुत सारे लाइक देना। थैंक यू सो मच।